हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे सुनीता एसएस ऑफिशियल चैनल पे। तो गाइस, मैं उस दिन भाजी वगैरह लगाई थी गाइस, तो चना को मैं लगा दी थी और ये वाला गच्चा जो है वो गीला था, इसलिए नहीं लगाई थी गाइस। तो देख सकते हो आज मैं इसको खुदाई कर रही हूँ भाजी को बुनने के बाद गाइस। उसके बाद में इसको मैं अच्छे से इसको समतल कर दे रही हूँ गाइस, हाथ से देख सकते हो, हाथ की मदद से। तो इस तरीके से मैं इसको ख़त्म कर ली गाइस, देख सकते हैं। तो गाइस, अभी जो है दोपहर का टाइम हो गया है, खाना पीना खा करके नहा धोआ करके मैं थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा था, तो थोड़ा रेस्ट कर ली। उसके बाद फिर से ब्लॉग बनाना स्टार्ट की हूँ। तो ये देख सकते हो सूर्य जो है वो डूबने वाला है अभी। और यहाँ पर मैं आई हूँ गाइस झाड़ू का काटा निकालने के लिए। तो कैसे निकालते हैं वो दिखाती हूँ आप लोगों को। तो ये देख सकते हो गाइस, मैं झाड़ू का काटा जो है वो निकाल रही हूँ। देखिए बहुत सारा काटा निकला हुआ है। इसका काटा नहीं निकलाते हैं तो झाड़ू करते समय बहुत ज़्यादा कचरा जो है घर में हो जाता है। तो देखिए इस तरीके से इसको निकाला जाता है। और इसको निकालने के बाद गाइस मैं इसको जला दी क्योंकि काटा फैल जाता है। तो मैं अपना झाड़ू रख दी हूँ और अब जा रही हूँ गाइस खाना सब्जी बनाने के लिए, क्योंकि ये मैं आग जला करके गई थी उधर झाड़ू को, मतलब काटा झाड़ू को झाड़ने के लिए। और ये देख सकते हो गाइस, मेरा आग यहाँ जल चुका है, मेरा आग देख सकते हो पूरी तरह से। तो आज मैं क्या सब्जी बनाने वाली हूँ वो आप लोगों को दिखाऊंगी गाइस। तो चलती हूँ। तो गाइस ये देखिए, मैं बर्तन लेके जा रही हूँ, क्या लेने जा रही हूँ आप लोगों को दिखाती हूँ गाइस, तो आप लोग बने रहिएगा। ये देख सकते हो गाइस, देसी मुर्गी का अंडा यहाँ है देखिए, और यहाँ भी है देखिए। तो मैं आज इसी का सब्जी बनाऊंगी गाइस। और आज जो है मुर्गी जो है नहीं घुसी है अंदर, तो देखिए अभी इसी प्लेट में ले जाऊंगी, मैं ज्यादा नहीं ले जाऊंगी क्योंकि खा देंगे सबको तो कहाँ से फिर देगी, इसलिए आधा को ही ले जाऊंगी। बस चार ही लेके जा रही हूँ, बाकी नहीं लूंगी। देखिए मैं इसको अच्छा से कर देती हूँ, इसमें ज्यादा है इसलिए इसको लेकर के जा रही हूँ, और इसमें जो है कम है देख रहे हैं, तो इसको रहने देती हूँ। ले ली हूँ कटोरी में और लेके जा रही हूँ गाइस। तो आज देसी मुर्गी का अंडा बनेगा मेरे घर में, ये देख सकते हो। अब इसको मैं उबालूंगी गाइस, और हम लोग तो क्या बताएं, दो तीन जन ही है इसलिए ज्यादा हम लोग नहीं बनाते हैं, उसके पापा जी हैं, मैं हूँ और छोटी बस। तो चलती हूँ बनाने के लिए और आप लोगों को भी दिखाऊंगी, आप लोग बने रहिएगा। तो देखिए गाइस, इसमें मैं पानी डाल दे रही हूँ और अंडा को भी डाल दे रही हूँ, और अभी इसको मैं आग में चढ़ाऊंगी गाइस, ये देख सकते हो। और इसमें आलू डाल दे रही हूँ, चार ठो छोटा छोटा है, बड़ा नहीं है, तभी मैं इसको रख दे रही हूँ आग में, उबालूंगी अभी मैं इस। गाइस तो मेरा अंडा देखिए, इसको मैं फ्राई कर रही हूँ अभी उबालने के बाद। तो अंडा के साथ में आलू को भी फ्राई कर रहे हैं हम लोग देखिए तेल में इस तरीके से। अभी इसको अच्छे से भूनेंगे गाइस, देख सकते हैं बिल्कुल ब्राउन कलर हो जा रहा है, लाल हो जा रहा है, देखिए इस तरीके से भुना चुका है देखिए आलू और अंडा दोनों ही। तभी इसको पकाना है, तो इसके लिए देखिए कढ़ाई और तेल और लहसुन का फोरन जो है वो डाल चुके हैं, देख सकते हैं इसमें। तो अभी इसमें गैस टमाटर डाल दूंगी मैं, ये देख सकते हो बहुत ज़्यादा कोहरा जो है निकल रहा है गैस, और इसमें टमाटर डाल चुके हैं। अब इसमें नमक डाल दे रहे हैं गाइस ताकि टमाटर हमारा जल्दी से घुल जाए इसलिए, और इसको ढक देते हैं दो मिनट के लिए। तो देखिए दो मिनट के बाद कैसा दिखाई दे रहा है टमाटर, अभी ये तुरंत मतलब घुल जाएगा, पक चुका है दो मिनट के बाद। तो देखिए अभी इसको घुला देती हूँ गाइस अच्छे से, और देखिए इसमें मसाला डाल रही हूँ गाइस, देसी हल्दी है हम लोग का अपने सील से पिसा हुआ है। तो देखिए, और इसको हल्दी को थोड़ा सा पकने के लिए पानी डाल दे रही हूँ, और इसको अभी अच्छे से भूनूंगी ताकि अच्छे से भुना जाए। देखिए इस तरीके से पूरा टमाटर जो है वो गीला हो चुका है, तो देख सकते हैं मेरा हल्दी जो है वो भुना चुका है, देखिए मस्त दिख रहा है, देख सकते हैं। अब इसमें पानी डाल दे रही हूँ गाइस,
क्योंकि रासा बनाना है, थोड़ा ज़्यादा नहीं, हल्का हल्का रासा बनाना है। तो देखिए पानी डाल चुकी हूँ और ये रहा देखिए उबल भी चुका है। अब इसमें अंडा डाल दे रही हूँ गाइस, अंडा और आलू जो है दोनों साथ में डाल दे रहे हैं गाइस। तो देखिए ये भी उबल चुका है, अंडा देख सकते हैं पक चुका है। अब इसको उतरा दिए गाइस और देखिए मैं निकाल रही हूँ गाइस हमारी छोटी के लिए, वो खाना खाने के लिए बैठ चुकी हैं गाइस। तो देख सकते हैं मैं खाना भी निकाल चुकी हूँ और सब्जी और दे रही हूँ गाइस हमारी छोटी को। ये देख सकते हैं, देखिए हमारी छोटी यहाँ खाने को बैठ गई है गाइस। गाइस सब्जी मेरा बन चुका है, अंडा करी, तो हम लोग अभी खाने के लिए जा रहे हैं खाना, और शाम के 7 बज चुके हैं अभी। तो हम लोग अब जा रहे हैं खाना खाने के लिए, और मैं आज वीडियो यहीं से अंत करती हूँ। आप लोगों को कैसा लगा आप जरूर बताइएगा। बाय।